दोस्तों अभी आपका साइंस का परीक्षा चल रहा है और सेकेंड सिटिंग आपका गणित का परीक्षा होने वाला है, जिसका उत्तर आप यहां से मिला सकते हैं बिल्कुल सही और सटीक रूप से, किसी भी प्रकार का गलत नहीं होगा। प्रश्न आपके परीक्षा से पहले ही हमने यहां पर दे दिए थे, तो आप लोग जरूर देखेंगे, जो देखे हैं वो तो बल्ले वाले, जो नहीं देखे हैं वो भी बल्ले वाले, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से प्रश्न मिला ही होगा। अगर नहीं मिला है तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर सबसे पहले अपलोड किया जाता है प्रश्न, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। कहा जा रहा है निम्न से कौन सी संख्या परिमेय है? दोस्तों परिमेय संख्या यहाँ पर रूट 9 है, जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग होता है, इसका जो होता है वर्गमूल 3 होता है, 3 को बटा में 1 लगा सकते हैं, तो रूट 9 जो है यहाँ पे आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार सभी प्रश्न आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या आपसे पूछा गया है, 0.7 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल रूप से प्रश्न आपका इजी है, यदि कि आपको गुना कर देना है, ठीक है, तो 2 2 है पावर से 2 यह रहेगा, ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, 3/2 प्लस 1/5 कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, आपका जवाब सही निकल जाएगा, फिर ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। सभी का उत्तर का पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दे दिया गया, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। ध्यान रखिए ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में बनाना है बिल्कुल रूप से, अगर आप नहीं बनाते हैं, अगर आप फेल कर जाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका रिजल्ट, मतलब अगर नहीं बनता है, पास नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप 9th में ही रह जाओगे, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड ऐसा कुछ सिस्टम लागू कर दिए तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पास करना अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव आपको ऊपर में आंसर दिया गया है, तो ऊपर से आपको आंसर यहाँ पर छाप लीजिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको छाप लेना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए आपको, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें हमने 100 ऑब्जेक्टिव आपको दे दिया है, 50 ही बनाना है आपको, 50 ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, बिल्कुल सही सही है, और जाकर के छाप दीजिए। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे आइएगा और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर वाला सहित, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, ठीक है। गूगल पे आ जाओगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे आइए और सर्च कीजिए माधव NCERT क्लासेस, देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आओगे यहाँ पे मॉडल पेपर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, मॉडल पेपर के अंदर जाओगे तभी जाकर कुछ भी आपको मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे पेज को रिफ्रेश मारना है और नीचे आओगे तो यहाँ से आपको मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर के देखने को मिल जाएगा 2023। यहाँ पर सिंपली आप क्या कर देना है, आपको एक छोटा सा क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ चुका है। अब सारे प्रश्न को आपको देख लेना है, परीक्षा में जाइए और बेहतर से बेहतर अंक लाइए, हम आप लोग के साथ है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कन्फ्यूज हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में चला है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10th का तैयारी आपको सबसे बेहतर आपको यहां पर चलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।